नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से एक बार डेरा सच्चा सौदा की एक संस्था में पहुंचे हैं जानने के लिए, ये खोजने के लिए कि क्या है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। हम लगातार जुटे हुए हैं कि आप तक सच पहुंचाया जाए डेरा सच्चा सौदा का। करते हैं लाइव बातचीत उन लड़कियों से जो कि डेरा सच्चा सौदा में लंबे समय से जुड़ी हुई है और आज भी उपस्थित है। जानते हैं उनसे क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, आपका नाम? कितने समय से आप डेरा से जुड़ी हुई है? आप इतने लंबे समय से आ रही है, यूथ लड़की है, इसके बावजूद भी आप आ रही हैं, मीडिया ने इतना सब कुछ गलत दिखाया है, तो आप क्या कहना चाहोगी? ये मीडिया ने जो भी कुछ अफवाह फैलाई है सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। डेरे में ही सबसे ज्यादा लड़कियां सेफ हैं। और जो गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा बोला है कि लड़कियों के साथ वो ये करते थे वो करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुरुजी अब लड़कियों को अपनी बेटियां मानते थे, उनके साथ खेलते हैं कूदते हैं, मतलब बहुत मस्त। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप एजुकेटेड यूथ हो, उसके बावजूद भी आप डेरा से जुड़े हुए हो, तो क्या कहना चाहोगे आप? यही कि जो भी अफवाह फैली है कि लड़कियों के साथ गुरुजी ऐसे करते थे वैसे करते थे, ये सब गलत है। और आज आपका कितना विश्वास है? पूरा अटूट। इस विश्वास को होने का क्या कारण है? उनके हमारे ऊपर बहुत उपकार है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। हम उनसे अरदास करते हैं, विनती करते हैं, वो हमें वो मिल जाता है, इसलिए हमें बहुत विश्वास है। क्या आपके परिवार के सभी सदस्य डेरा से जुड़े हुए हैं? क्या किया है बाबा जी ने समाज के लिए? गुरु जी ने जो किन्नर होते हैं उन्हें अपना नया दर्जा उन्हें दर्जा दिया है, उन्हें सुख दुआ समाज के नाम से जाना जाता है। वो कहीं भी जाकर अपनी नौकरी लगवा सकते हैं। और जो गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, डेरा वॉलंटियर्स के द्वारा वो पढ़ पाते हैं, वो उनका वो सहयोग करते हैं तो वो पढ़ पाते हैं। उन्हें मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम होती है वो भी दिया जाता है। सब काम बहुत काम है। 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं। आज समाज को कितनी जरूरत है बाबा जी की? समाज को तो पता नहीं बट हमें तो बहुत जरूरत है। क्योंकि आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगी? ये अपील करना चाहूंगी कि एक अच्छे गुरु को आपने इतना बुरा बना रखा है समाज के सामने, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और उन्हें छोड़ दिया जाए क्योंकि ये बहुत गलत बात है जो उन्हें समाज के सामने गलत साबित कर। ये हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा की एजुकेटेड महिला जुड़ी हुई थी, जिसने बताया हमें क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। ऐसी ही सच्ची खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।